भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्कर मिश्रा का कोरोना वायरस से हुई मौत। 17 जुलाई को पुष्कर मिश्रा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके कारण उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहां पर कोरोना का सैंपल लिया गया, हालत बिगड़ती देख उन्हें लखनऊ PGI रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत में सुधार दिख रहा था, लेकिन कल दोपहर 2 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका देहांत हो गया। शोक की लहर बढ़ गई। कोरोना की वजह से सभी व्यापारी भाइयों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही। कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने से जिले में अब कुल 33 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जनपद में आज 11 कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन स्थानों पर एक एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। जिले में अब तक 33 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष रंजन ने दी। इन सभी जगहों के आसपास 250 मीटर दायरे को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकाल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालय कार्यालय बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। आए दिन बस्ती में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर ज़्यादा होने के कारण प्रशासन ने पंचायती मंदिर में मंगल बाजार से लेकर करुआ बाबा तक, सुंदर टॉकीज, अमन गारमेंट दुकान तक सील किया हुआ है। इस क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालय कार्यालय बंद रहेंगे तथा किसी भी प्रकार के सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र के सभी व्यापारी संस्थान प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग साफ सफाई के लिए प्रतिदिन सफाई कर्मी भेजेंगे। बस्ती जनपद से राजन कुमार की खास रिपोर्ट। धान की रोपाई कर रही महिलाओं को मिला सैनिटाइजर व मास्क। महिलाओं ने अमेठी सांसद को किया धन्यवाद, दोबारा सांसद बनाने का दिया भरोसा। अमेठी सांसद केंद्रीय मंत्री दीदी स्मृति ईरानी के द्वारा भेजे गए एवं अमेठी जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में उपलब्ध मास्क सैनिटाइजर को आज नरसिंह धानपुर कोरियानी में घर घर एवं खेत में धान की रोपाई कर रहे महिलाओं व सभी ग्रामीण जनता तक पहुँचाने का सफल कार्य आशा वाजपेयी के द्वारा किया गया। आशा वाजपेयी ने अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री द्वारा बताया कि सांसद दीदी आपके साथ हैं, आप सभी को किसी विषय पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सामग्री वितरण में शिव शंकर तिवारी, सोनू सेठ आदि लोग उपस्थित रहे। सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाए, आशा वाजपेयी की क्षेत्रवासियों ने प्रशंसा की, सांसद महोदय को धन्यवाद दिया। अमेठी जनपद से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। लॉकडाउन में भी हो रहा है सड़क निर्माण, क्षेत्रीय पार्षद द्वारा। कानपुर नगर बर्रा विश्व बैंक क्षेत्र के सी ब्लॉक में आज लॉकडाउन में भी सड़क निर्माण कार्य चालू है। क्षेत्रीय जितेंद्र सचान पार्षद का कहना है कि ग्रीन वर्ल्ड क्लीन वर्ल्ड में अपनी पूरी टीम के साथ आज स्वयं सड़क निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें कि क्षेत्र के लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। कानपुर से अरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कल्याणपुर बस्ती में पुलिस एवं आबकारी की संयुक्त दबिश। जिलाधिकारी जनपद बस्ती के निर्देशन में एवं SDM हरैया के नेतृत्व में आज थाना छावनी के अंतर्गत मांझा क्षेत्र में ग्राम सहजौरा, संदलपुर, छतौना एवं कल्याणपुर में पुलिस एवं आबकारी संयुक्त दबिश दी गई। दबिश के दौरान 280 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त किया गया एवं लगभग 5000 क्विंटल महुआ लहान नष्ट किया गया। साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने वाले उपकरणों एवं भट्टियों को नष्ट किया गया। संयुक्त टीम ने SDM हरैया श्री प्रेम प्रकाश मीणा, जिला आबकारी अधिकारी बस्ती श्री नवीन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी हरैया श्री SP सिंह, तहसीलदार हरैया श्री चंद्रभूषण प्रभात, नायब तहसीलदार श्री निखिलेश कुमार, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र वन सदर बस्ती गिरिजेश कुमार, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र टू हरैया संजय कुमार, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र थ्री मनोज तिवारी, आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन बस्ती मंडल सहित पुलिस एवं आबकारी के समस्त हमराही शामिल रहे। बस्ती जनपद से दिनेश सोनकर की रिपोर्ट। आज पूरी टीम बस्ती ने, जिसमें हमारे आबकारी के अधिकारी CEO साहब, हमारे जो है थानाध्यक्ष हैं सौदागर, तहसीलदार साहब और बाकी सभी ने समन्वय बैठाकर एक बड़ी कार्रवाई की है जो अवैध शराब है उसके खिलाफ। और कल्याणपुर और संदलपुर और छितौना, इन स्थानों पर काफ़ी समय से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर अवैध शराब का धंधा चल रहा है, तो भारी मात्रा में लहन यहाँ पे नष्ट किया गया है और अभी भी कार्रवाई जारी है और आगे भी प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाइयाँ की जाएंगी, क्योंकि रुख बिल्कुल साफ है कि किसी तरह का अवैध कारोबार बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। तो सभी से अनुरोध भी है इसी के माध्यम से कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि प्रशासन अब पूरी शक्ति के साथ इस समस्या से निपटेगी।